प्रिंसिपल्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट फर्स्ट वन कंसिस्टेंट प्रोएक्टिव डिसिप्लिन इज द क्रक्स ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, देखिए फ्रेज लिखा हुआ है प्रिवेंशन इज क्योर बेटर देन क्योर, बचाओ ट्रीटमेंट से ज़्यादा जरूरी है। सो गोज द एडेज इफ वी आर प्रोएक्टिव इन आवर अप्रोच टू डिसिप्लिन वी प्रिवेंट अननेसेसरी disciplinary problems from cropping up. We have not to wait for disciplinary problems to erupt for us to take a move. हमें क्लास में डिसिप्लिन को तोड़ने वाले बच्चे या फिर जो एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं वो होने का इंतजार नहीं करना है। करते साथ ही क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन हो, हमें वेट नहीं करना है कि डिसिप्लिन डिस्टर्ब होगा तब हम एक्शन लेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो बच्चे आपके हल हो जाएंगे और आपका क्लास 100% इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। सेकंड वन, एस्टैब्लिश रूटीन्स फॉर ऑल डेली टास्क्स एंड नीड्स। ये कौन बहुत इम्पोर्टेंट है आपका क्लास ग्रुप या क्लास मैनेजमेंट को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। एस्टैब्लिश रूटीन्स फॉर ऑल डेली टास्क्स एंड नीड्स, डेली टास्क और नीड्स जो आपको क्लास में जाने के लिए जो आवश्यकता है, जो जरूरत है, जो कंटेंट आपको चाहिए, उसके लिए आपको स्पेशल रूटीन एस्टैब्लिश करके जाना होगा। ये नहीं कैलेंडर भी जाएंगे और क्लास को मॉनिटर करेंगे या फिर क्लास को हैंडल करेंगे, 100% आपके कंट्रोल में क्लास होगा और जो आप टॉपिक या कंटेंट देना चाह रहे हैं क्लास में वो उसमें 100% आप सक्सेस होंगे। यहाँ पर रूटीन एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। थर्ड वन, ऑर्केस्ट्रेट स्मूथ ट्रांजिशंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ मोमेंटम थ्रू
throughout the day. A smooth transition and continuity of the momentum throughout the day ensures that every instructional movement is made use of wisely. No unnecessary load is created that will create classroom restless, which is the father of disciplinary problem. आपको क्लासरूम में ऐसा बिहेव नहीं करना है, ऐसा मोमेंट नहीं बना देना है कि आपका जो पीरियड है वो रेस्टलेस हो जाए, इनएक्टिव हो जाए. आपको ऐसा मोमेंट बनाने का चांस नहीं देना है स्टूडेंट्स को. फोर्थ वन, स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन वैरायटी एंड चैलेंज इन स्टूडेंट्स एक्टिविटी. स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन वैरायटी एंड चैलेंज इन स्टूडेंट्स एक्टिविटी. ए वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स एक्टिविटी विल इंश्योर दैट स्टूडेंट्स मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड वेरिड लर्निंग स्टाइल्स आर कंसिडर्ड इन द कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज. यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि क्लास में आप सबसे इम्पोर्टेंट हैं या फिर आप उस क्लास के हीरो हैं. बच्चे आपके पीछे हैं, वहाँ पर बच्चे जो आपके क्लासरूम में हैं वो मल्टीपल इंटेलिजेंस के बच्चे भी हो सकते हैं. आपके टॉपिक में हो सकते हैं मोर देन 1, 2, 3, 4 क्रिएटिव क्वेश्चन उनके माइंड में है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग हैंडल करेंगे तभी आपका क्लासरूम सेम होगा या एक्टिव होगा या फिर बच्चे आपके लिए अटेंटिव रहेंगे या फिर अगले क्लास से आपके लिए वेट करेंगे. बोरिंग अगर हो जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम 1, 2, 3, 4 क्लास के बाद आपके साथ वो मिसबिहेव करेंगे, आपका क्लास इफेक्टिव नहीं होगा, आप जो चाहेंगे वैसा कर नहीं पाएंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम आवर एक्टिविटीज फॉल अंडर द वर्ड यूज टॉकिंग राइटिंग विल सर्टेनली चैलेंज दी इंग्लिशली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बट बोथ द लॉजिक एंड मैथ विजर्ड्स एंड अदर ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंसेस. व्हेन बॉर्डर क्रिप्स इन टू क्लासरूम वी हैव डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम इन आवर हैंड्स. आपके हाथ में डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम या डिसिप्लिन तोड़ना या डिसिप्लिन बना के रखना है क्लास को. आप जैसा बिहेव करेंगे वैसा बिहेव करेंगे. बच्चे आपके साथ आपके टॉपिक के साथ 100% इंगेज तभी होंगे जब आपका कंटेंट बेहतर होगा, नहीं तो बच्चे आपसे दूर होकर के आपके टॉपिक से दूर होकर के कुछ दूसरा एक्टिविटी में बिजी हो जाएंगे. आपका क्लास का जो डिसिप्लिन है, मैनेजमेंट है, वो फेल हो जाएगा. As classroom manager, be aware of all actions and activities in the classroom. Classroom का manager teacher होते हैं, class को manage करना उनका main aim होता है. As classroom manager, be aware of all actions and activities in the classroom. Classroom में जो भी actions या activities बच्चे कर रहे हैं उस पर आपको focus करना होगा, आपको aware होना होगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं क्लासरूम में. जो एक्सपीरियंस टीचर हैं उनको पता होगा कि वो स्टार्टिंग में क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, धीरे धीरे रेक्टिफाई करके वो क्लास को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं. जो टॉपिक है, जो उनका टारगेट होता है, जो लेसन प्लान है, उसके अकॉर्डिंग टॉपिक को कम्प्लीट कर पाते हैं या टाइम जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें कम्प्लीट हो पाता है. आवर अटेंड अवेयरनेस ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन आवर क्लासरूम पुट्स आवर पुपिल्स एंड स्टूडेंट्स ऑन देयर टॉस ऑल द टाइम. व्हाइल आवर बैक फेसेस देम व्हेन वी राइट ऑन द बोर्ड आवर आईज ऑन द बैक ऑफ आवर हेड्स विल मेक आवर पुपिल्स एंड स्टूडेंट्स फील दैट वी नो दैट दे आर डूइंग दिस इज व्हाट नोन एज विद इग्नोरेंस. आप जब ब्लैक बोर्ड पे एंगेज होते हैं तो आप कभी भी ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट ऐसा सोच समझे आपके बारे में कि टीचर लिख रहे हैं पीछे भी क्या एक्टिविटी हो रहा है उनको पता है. ऐसा भी एम करेंगे तभी आपका क्लास मैनेज हो पाएगा, नहीं तो आप ब्लैक बोर्ड में एंगेज रहेंगे. और मोर देन 25% चिल्ड्रेन ऐसा है जो मिसबिहेव करेंगे. ठीक है, आप अपने उंगली पर उसको घुमा सकते हैं यदि आप में ऐसा टैलेंट है. यदि आप ब्लैक बोर्ड में एंगेज हैं और उनको लग रहा है कि पीछे क्या एक्टिविटी है, टीचर हमें ऑब्जर्व कर रहा देख रहा है, तभी आपका क्लास 100% मैनेज हो पाएगा. 6, रिजॉल्व माइनर इन अटेंशन एंड डिसरप्शन बिफोर दे बिकम मेजर डिसरप्शन.
स्टार्टिंग में छोटा छोटा एक्टिविटी होता है, स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम होता है क्लासरूम में, उसको मैनेज करना स्टार्टिंग में। तो इंतजार नहीं करना, आपको वेट नहीं करना है कि बहुत बड़ा मेजर इशू एक्शन होगा, इशू होगा, तब इसको पनिशमेंट दिया जाएगा, तब इसको कंट्रोल करेंगे या फिर आगे बात को फॉरवर्ड करेंगे। छोटा छोटा इशू भी आपको देखना होगा, हैंडल करना होगा, तभी आपका क्लासरूम स्टार्टिंग से ही इफेक्टिव होगा, तभी बच्चे आपसे डरेंगे और आपके लिए नेक्स्ट क्लास में इंतजार करेंगे। रेनफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर, रेनफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर, बी जेनरस विथ जेन्युइन प्रेस, बी जेनरस विथ जेन्युइन प्रेस। आपको छोटी छोटी एक्टिविटी पर बच्चे को बहुत ज़्यादा शाबाशी नहीं देना है, जेन्युइन एक्टिविटी पर ही शाबाशी देना है, नहीं तो ईगो आ जाएगा, उनको लगेगा कि हम बहुत बड़ा किस्मान खा लो, हमें आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये स्टार्टिंग है, यहाँ कुछ नहीं है, आगे का कंपटीशन अभी हमको आपको सबको पता है। ठीक है, तो छोटी छोटी अगर अचीवमेंट है उनका क्लासरूम में, अच्छा बिहेवियर है, तो उनके लिए बड़ा सा बधाई नहीं दे देना है, बहुत बड़ा तारीफ नहीं करना है उनका, जेन्युइन प्रेस होना चाहिए। सम टीचर्स आर क्वाइट स्टिंगी विथ प्रेस, दीज आर द टीचर्स हु थिंक विल बिकम लेस व्हेन दे प्रेस अदर्स, दे हैव एंड सो कॉल्ड सब्ट्रैक्शन मेंटालिटी। कुछ ऐसे तो बिहेव करते हैं कि छोटी छोटी एक्टिविटीज में शाबाशी देंगे और दूसरे को नीचा दिखाएंगे, ऐसा नहीं होना है। क्लासरूम में जितने बच्चे हैं सबके सब आपके लिए इक्वल हैं, आपका किसी को कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, आपके लिए सभी चिल्ड्रेन या बच्चे जो क्लासरूम में वो इक्वल हैं। अदर टीचर्स आर ओवर जेनरस विथ देयर प्राइस, कुछ टीचर ऐसे हैं जो ओवर जेनरस हैं, ज़्यादा बच्चों के लिए ईमानदारी दिखा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, उनका जो तारीफ है ना कभी कभी बच्चों के लिए ओवरफ्लो हो जाएगा, उनका मेंटेलिटी में सेट हो जाएगा, इनका काम ही हीरो यहाँ पे हीरो बना देना, ठीक है, हम तो सुपर हीरो है, अब क्या करना है, इस तरह से आपका धीरे धीरे वैल्यू कम हो जाएगा। ओवर एक्टिंग करेंगे या ज़्यादा तारीफ करेंगे और ज़्यादा एक्टिविटी दिखाएंगे बच्चों के लिए, उनके फेवर के लिए, क्या आप उसके लिए बहुत सोच रहे समझ रहे हैं या फिर वो बहुत स्पेशल है क्लास में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। फॉर आवर प्रेस टू बी जेन्युइन इट मस्ट बी गिवन अकॉर्डिंग टू मेरिट, मेरिट के अकॉर्डिंग आपको उसका तारीफ करना है। इट इज आवर वे ऑफ अप्रिशिएटिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग हार्ड वर्क एंड गुड बिहेवियर, हार्ड वर्क और गुड बिहेवियर को ये क्या करेगा, पुश करेगा, अगर आप उसको अच्छे से उसके जेन्युइन टैलेंट के हिसाब से उसका तारीफ करेंगे या फिर उसको बधाई देंगे, आगे बढ़ने में उसको हेल्प करेगा। ट्रीट माइनर डिस्टर्बेंस कामली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत दिल का दर्द कर देना एक बहुत बड़ा बहादुरी नहीं है, ठीक है। ट्रीट माइनर डिस्टर्बेंस कामली, क्लास में छोटा मोटा गलती होगा ही बच्चों से, इसलिए करेंगे, ठीक है, फिर बच्चे वो सब करेंगे, सब चीज में आगे बढ़ो, हर एक्टिविटी में वो नंबर वन होंगे, तो आपको हैंडल करना होगा। ट्रीट माइनर डिस्टर्बेंस कामली, अगर छोटी छोटी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं क्लास रूम में आपका, तो उसको काम की शांति से उसको क्या करना है, ट्रीट करना, रिसॉल्व करना है आपको क्लास रूम में, ठीक है। डू नॉट मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल, एक छोटा सा मोल है ना आपके केस पर, छोटे से मोल को माउंटेन नहीं बना देना है। इफ ए वेस्टर्न लुक और गेस्चर कैन कील द इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, सो डू बी If that's the end period, let us not make a fuss about it. आपको छोटे छोटे जो माइनर प्रॉब्लम है उसको, इसका बेसिकली कंक्लूजन यही है कि माइनर प्रॉब्लम है क्लास रूम में आपको मिल जाएगी, उसको रिसॉल्व करें अपने तरीके से, शांति से, ज़्यादा अगर ऐसा करेंगे
कर दिया अगर रेगुलर उस पर आप पनिशमेंट या टेंशन करेंगे क्लासरूम में, तो वो धीरे धीरे आपसे दूरी बन जाएगा, उसका लाइक नहीं करेगा आपके पीरियड को, ठीक है। और धीरे धीरे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और आपकी क्लास को हमेशा डिस्टर्ब करने का कोशिश करेगा। आप जो कंटेंट लेकर के आए हैं उससे आपको मिस गाइड करेगा और आप जो चाहेंगे वो कम्प्लीट नहीं करेगा। Arrangement of chairs that facilitates an interactive teaching learning process. There is no doubt that external environment affects us. यहाँ कोई डाउट नहीं है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमें या हम जो क्लास लेते हैं तो डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है। एक्सटर्नल जो आपके क्लास रूम के आस पास जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट आपको अफेक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है। The most common arrangement of tables and chairs in the classroom is one where the teacher's table and chairs are in front and the student desks or chairs are arranged in row facing the teachers. This seat arrangement does not allow enhanced interaction among students. Let us work for a flexible seating arrangement where we can rearrange seats or desks to suit आवर लर्निंग नीड्स एंड कंडीशन। आपके लर्निंग कंडीशन के हिसाब से जब आपका अरेंजमेंट है क्लास रूम बेंच का टेबल का डेस्क का और आप यहाँ पर ये स्टेज बना करके यदि लेक्चर दे रहे हैं, ये हो सकता है कभी कभी इफेक्टिव नहीं हो। बच्चों के बीच में चेयर या डेस्क या टेबल को अरेंज करके भी आप पढ़ा सकते हैं, तो सभी के लिए क्या होगा इंटरेक्शन या आपकी तरफ इंटरेक्ट होगा या इंटरेक्टिव होगा। Make good use of every instructional moment. Minimize discipline time to maximize instructional time. Discipline time को minimize करना है आपको, हर दिन ये पाठ नहीं पढ़ाना है, discipline के लिए हर दिन नहीं आपको उनको याद दिलाना है। आपको कौन सा टाइम मैक्सीमाइज करना, इंस्ट्रक्शनल टाइम। इंस्ट्रक्शन से कभी कभी आपका क्लास कंट्रोल होगा, बोलने से ज़्यादा है या आप कभी कभी आई कांटेक्ट से या फिर अपना फेस या बॉडी के एक्सप्रेशन से क्लास को कंट्रोल कर सकते हैं। हर बार डिसिप्लिन के लिए लंबा चौड़ा थ्योरी बताना और टाइम को वेस्ट करना जरूरी नहीं, इंस्ट्रक्शनल भी होना चाहिए क्लास में। मैनेजमेंट ऑफ टाइम, टाइम इज ऑफ द एसेंस इन लर्निंग। हाउ मच स्टूडेंट्स लर्न डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ टाइम दे स्पेंड इन लर्निंग। द इम्पैक्ट ऑफ टाइम हाउएवर ऑन अचीवमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड ऑल्सो बाय द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड द लर्निंग टास्क। नो मैटर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम इज स्पेंड नो लर्निंग टेक्स प्लेस इफ देयर इज स्पेयर क्लासेस वेयर स्टूडेंट्स आर occupied with learning activities where time is managed properly learning। इनका मेन कंक्लूजन है कि आपको टाइम मैनेज करना है, कैसे आप डेली कंटेंट को पढ़ने के लिए टाइम को मैनेज करके मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आप 50 या 30 मिनट के पीरियड में क्लास में सिर्फ आपका अपीयरेंस ये शो नहीं करता है कि बच्चे लर्न कर रहे हैं या 100% आपके टॉपिक को समझ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आपका अपीयरेंस 40 मिनट्स ये शो नहीं कर रहा है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन है या लेक्चर है वो 40 मिनट इफेक्टिव था, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइम ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर लिखिए इंपैक्ट ऑफ टाइम हाउएवर ऑन अचीवमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड आल्सो बाय द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि बहुत कम टाइम में बचे 40 मिनट के पीरियड में भी नहीं सीख पाते हो, बहुत कम टाइम पीरियड में इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन से लर्न कर पाते हैं, इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन से। सिर्फ अपीयरेंस ये नहीं शो करता है कि आपका क्लास का टाइमिंग 40 मिनट का था लेकिन लर्निंग आउटकम 10 मिनट से भी कम है, सिर्फ अपीयरेंस ऐसा नहीं। डिसिप्लिन इज कंट्रोल्ड बिहेवियर इट कॉन्स्टिट्यूट्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न ऑफ टीचर्स as part of good management. No matter how well managed a learning environment is, a
students is occasionally misbehave. Students will occasionally misbehave. Teachers must be ready to deal with them with utmost care and consideration. ये जरूरी नहीं है कि जितने बच्चे को आप डिसिप्लिन समझते हैं वो हर दिन वैसा ही होंगे. कभी कभी उनको भी बोर लगता होगा या पढ़ने का मन नहीं करता होगा तो उनको भी मिसबिहेव करने का मन करता होगा. तो आपको ये सब कंसिडर करना है. सम कॉजेज ऑफ डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स. डिसिप्लिन में प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होता है इसका मेन कारण क्या है, कुछ कारण यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है. अनफेवरेबल लर्निंग कंडीशंस. द क्लासरूम मे नॉट बी कंडीशन टू लर्निंग इफ इट इज ओवर क्राउडेड विथ मोर देन द रेगुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू ए क्लास. आप भी फेस कर रहे होंगे ओवर क्राउडेड क्लास में. और अभी आज का क्लासरूम बहुत लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा 50% बच्चे थे या उससे कम थे, क्लास इफेक्टिव रहा होगा. इस ओवर क्राउडेड क्लास में भी क्लास के डिसिप्लिन को अफेक्ट कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है. आप जो चाहते हैं वो आप ये कर सकते हैं. ओवर क्राउडेड विथ पुअर लाइटनिंग फैसिलिटीज एंड इनएडिक्वेट वेंटिलेशन. लाइटनिंग फैसिलिटी और इनएडिक्वेट वेंटिलेशन. वेंटिलेशन मीन्स सफिशियंट एयर या फिर लाइटिंग अगर क्लासरूम में नहीं हो ये भी आपके क्लास को अफेक्ट कर सकता है. मानसून में आपको दिखता होगा कभी कभी मॉर्निंग में अचानक से बहुत डार्क रूम हो जा रहा है क्लास में, बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं, अंधेरा का फायदा उठा रहे हैं. ठीक है, टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, डिसिप्लिन दे रहे हैं, का बात कर रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं. किनको किनको पनिशमेंट देंगे? 40 मिनट का पीरियड है, 60 और 70 बच्चे हैं, हाफ मिनट भी आपके पास नहीं है. ठीक है, तो सिर्फ आपको बोला जाता है कि इफेक्टिव क्लासरूम रखिए, 100% आपका कंटेंट इफेक्टिव हो, टाइम पे आपका सिलेबस कवर हो, आप दुनिया का नंबर वन टीचर बने, आपका बच्चा समझदार बन जाए, ऐसे बन जाएगा. बाकी चीजें देख पाएगा क्या उसने कर देगा. मैं आपको बता रहा हूँ अपना प्रैक्टिकल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स जो पढ़ा रहे हैं, कितना वास्ट सिलेबस है. इंजीनियरिंग और मेडिकल का एंट्रेंस के लिए भी बच्चे कुछ फोकस करते हैं उससे. हाँ इंग्लिश आंसर. अरे पूरे दुनिया में सर्वाइव करने के लिए ग्लोबल लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश कैसे छूट जाएगी. सबको तो इंग्लिश नहीं पढ़ना है. तो देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स इतना एडवांस सिलेबस है और यहाँ का मेंटेलिटी ये है आफ्टर समर वेकेशन सब लोग एडमिशन लेंगे. क्लास कब करेंगे? 10 जून के बाद. 10 जून के बाद मैंने फिजिक्स का फर्स्ट क्लास स्टार्ट किया था. ठीक है, और ऐसे भी ब्लैक लिस्ट है हमारे कभी कभी क्योंकि इरेगुलर हो जाते हैं क्योंकि मेंटली और जब कंट्रोल हो गया तो काम हो गया. मेरी फिर सुबह गया नहीं. 10 जून से ये भी तक में कितना टाइम पीरियड हुआ? उस टाइम पीरियड में क्या टोटल 100% ये ग्रेजुएट लाइन बाय लाइन अगर आप नंबर वन बनाना चाहते हैं या आप नंबर वन बनना चाहते हैं तो बन पाएंगे? नो, कभी पॉसिबल नहीं. ठीक है, और दिसंबर है खत्म कर प्रैक्टिकल क्लास में बहुत सारे टूल्स होते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे यदि आप फर्नीचर अरेंज नहीं किया हुआ है तो वहाँ पे टूल्स को ठीक से शो करना या डेमोन्स्ट्रेट कराने में प्रॉब्लम हो सकता है. Next one, with inappropriate seating arrangement such that distractions can easily occur near source of noise which obstruct understanding of the lesson. ये सब प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं तो लेसन को अच्छे से समझने में या बच्चों को पढ़ाने में सिखाने में आपको डिस्टर्ब कर सकता है. ये बहुत मेन रोल प्ले करता है सम कॉजेज ऑफ डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम. इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं, आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं और आपका क्लास में जो अरेंजमेंट है वो भी रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, या फिर प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है. ठीक है,
Thank you.